रहिका थाना क्षेत्र के जगतपुर पेट्रोल पंप के पास रहिका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि गश्ती के दौरान अभियान के तहत NH 527A पर ट्रांसफार्मर लदे ट्रक में शराब की जानकारी होने पर ट्रक को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। साथ ही चालक और उपचालक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक को थाना परिसर में तलाशी लेने के क्रम में ट्रक पर लदे ट्रांसफार्मर जैसा दिखने वाले ट्रांसफार्मर के नीचे तह बनाया गया था। ट्रक पर लदे ट्रांसफार्मर के तह से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मैकडॉनल्ड्स एवं एम्पीरियल ब्लू विस्की 14,100 बोतल जिसकी कुल मात्रा लगभग 55,085.4 लीटर शराब बरामद किया गया। ट्रक के चालक की पहचान यूपी के मेरठ जिला अंतर्गत जमुना नगर निवासी आसिफ अब्बासी एवं उप चालक समीर खान के रूप में बताए गए हैं। रहिका थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रात्रि गश्ती के दौरान संदेह के आधार पर ट्रक को जब्त कर लिया गया जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और ट्रांसफार्मर के तह से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। वहीं चालक और उप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार चालक और उप चालक एवं ट्रक मालिक के विरुद्ध उत्पाद मद निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया है। बताते चले कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी इतनी भारी मात्रा में शराब की खेप यूपी से बिहार के कई थाना के बॉर्डर पार करते हुए मधुबनी तक पहुंचाना और उसके बाद रहिका पुलिस के हत्थे शराब तस्कर चढ़ ही गया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।